So now we are going to start our next question. It is problem number 4 from complex analysis and particularly for NET exam, ये बहुत ही ज़्यादा एक important topic है. Okay, so देखो question में क्या पूछ रहा है कि for which of the following curves gamma this is the integral vanishes. Okay, that means आपको basically ये gamma find out करना है. For which this integral over gamma dz by z square plus 4 it will be 0. कामा फाइंड आउट करना है एंड ऑप्शन में 4 ऑप्शन गिवन है एंड 1 by 1 आपको बेसिकली चेक करना है. तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में यू नीड टू यूज 2 थियरम्स. बेसिकली 1 थियरम ये है कि कॉशीज थियरम फॉर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एंड सेकेंड इसका ही एक कॉरोलरी है वह है कॉशीज फॉर्मूला. ओके एंड ऑब्वियसली जब कॉशीज फॉर्मूला का बात आता है तो इसका जो हायर वर्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए. ऑल दो इस क्वेश्चन में इसका यूज़ नहीं होगा हायर वर्शन दैट इज nth डेरिवेटिव वाला जो एक फॉर्मूला आता है वो भी आपको पता होना चाहिए. देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन थिंग तो इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह कि fz dz. ऑलराइट वेयर योर fz इज नथिंग बट 1 by z square plus 4. करेक्ट. ऑलराइट अभी इस फंक्शन का अगर आप सिंगुलरिटी की बात करो दैट मीन्स z square plus 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड इट विल गिव यू z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i. दीज आर गोइंग टू बी सिंगुलरिटी फॉर दिस फंक्शन fz. ओके यहाँ तक सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ आप कॉशीज थियरम थोड़ा रिकॉल करो. अगर आपको पता है तो सही है अदरवाइज कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो आपको फॉर्मल डेफिनेशन मिल जाएगा एंड यहाँ पे मैं उसका जो जस्ट ओवरव्यू है वो आपको दे रहा हूँ. सपोज एक फंक्शन fz आपके हाथ में गिवन है विच इज़ एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी. ओके सो सी का एक सर्टेन प्रॉपर्टी है दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके दैट मीन्स सपोज यहाँ पे मैं अगर एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह सपोज दिस इज सी. ओके दिस इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. ओके विद इन इसका मतलब क्या है ये जो इनसाइड वाला पार्ट है इसमें एज वेल एज जो बाउंड्री है दैट मीन्स ओवर दिस बाउंड्री. ओके दिस फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक मतलब इसका कोई सिंगुलरिटी नहीं होगा. नो सिंगुलरिटी विद इन एंड ऑन दिस कर्व सी. देन आप क्या कह सकते हो कि बाई यूजिंग कॉशीज थियरम आप कह सकते हो ये जो इंटीग्रल होगा दैट मीन्स एफ जेड डी जेड ओवर दिस कर्व सी विल बी इक्वल्स टू 0. ओके तो इसी का ही अभी एप्लीकेशन होगा. अब देखो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन इट इज गिवेन कि मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1. ऑलराइट मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1 इट इज गिवेन. सो अगर आप इसका ड्रॉ करते हो डायग्राम देन आपको मिलेगा ये यूनिट सर्कल विच इज मॉड जेड इज इक्वल्स टू 1. बट आपका जो सिंगुलरिटी है फॉर दिस फंक्शन एफ जेड दिस सिंगुलरिटीज आर प्लस माइनस 2i. सो दिस इज योर इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज द रियल एक्सिस. ऑलराइट सो हियर यू आर गेटिंग i दिस इज माइनस i दिस इज 1 दिस इज माइनस 1. सो हियर यू आर गेटिंग 2i एंड यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 2i. सो क्या हो रहा है यहाँ पे जो सिंगुलरिटीज़ है सिंगुलरिटीज़ आर आउटसाइड ऑफ दिस रीजन. यहाँ पे आपको एक सिंगुलरिटी मिल रहा है यहाँ पे एक सिंगुलरिटी मिल रहा है. सो विद इन दिस सर्कल एंड ओवर द बाउंड्री. ओके ये जो फंक्शन एफ जेड था दिस इज एनालिटिक फंक्शन. ओके क्योंकि इसका सिंगुलरिटी तो आउटसाइड आपको मिल रहा है तो ओवर दिस
सर्कल एंड विद इन दिस सर्कल ये फंक्शन एनालिटिक है. सो बाई यूजिंग कॉशिस थियरम आप क्या कंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे कि योर एफ जेड डी जेड इट इज गोइंग टू बी जीरो ओवर द कर्व और जेड इज इक्वल्स टू वन. सो दिस इज करेक्ट आंसर. सो इट इज गामा और जेड इज इक्वल्स टू वन. ऑलराइट फाइन. कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप इजीली कमेंट सेक्शन में रखो एंड वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो इसको शेयर करो. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुँचे. ओके सो देखो अभी ये आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो गया. अभी सेकेंड ऑप्शन की ऊपर हम लोग बात करेंगे क्योंकि देखो कॉशिस जो थियरम है कॉशिस थियरम दिस इज वन साइडेड रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ कंडीशन यहाँ पे नहीं है. दिस इज वन साइडेड रिजल्ट. ओके तो इसका ही एक फ्लेवर आपको मिलेगा सेकेंड ऑप्शन में जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो फॉर्मूला कॉशिस फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया आपको उसका यूज़ होगा सेकेंड ऑप्शन. ऑलराइट तो मूव करते हैं सेकेंड ऑप्शन के ऊपर. सेकेंड ऑप्शन में क्या है मॉड जेड प्लस टू आई इज इक्वल्स टू वन दिस इज गिवन इन द सेकेंड ऑप्शन. ओके सो इसको अगर आप कुछ इस तरह लिखते हो दैट इज माइनस टू आई यहाँ से आपको क्या फ्लेवर मिल रहा है कि इसका जो सेंटर होगा दिस विल बी द सेंटर एंड दिस विल बी द रेडियस इस सर्कल का. सो देखो ये सर्कल किस तरह फॉर्म होता है माइनस टू आई में है इसका सेंटर. सो माइनस आई माइनस टू आई एंड रेडियस विल बी वन. सो दिस विल बी योर सर्कल मोर ऑर लेस दिस इज द सर्कल. ऑलराइट सो यहाँ पे आपको क्या है दिस इज आई दिस इज टू आई सो दिस इज माइनस टू आई. ओके सो क्या फंक्शन क्या था एफ जेड एफ जेड था वन बाई जेड स्क्वायर प्लस फोर विच इज जेड प्लस टू आई जेड माइनस टू आई. तो देखो यहाँ पे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते बाई यूजिंग कॉशिस थियरम क्योंकि इस फंक्शन का तो सिंगुलैरिटी यहाँ पे लाई कर रहा है इनसाइड दिस कर्व लाई कर रहा है. ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे कॉशिस इंटीग्रल फॉर्मूला का. सपोज एक फंक्शन आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया या फिर सपोज एक फंक्शन फाइव जेड आपके हाथ में है विच इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन दिस क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व सी. ओके फाइन दिस फाइव जेड इज एनालिटिक एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी. सी क्या है सिंपल क्लोज्ड कर्व है सिंपल फाइन. देन सपोज एक पॉइंट है ए बिलोंगिंग फ्रॉम दिस सिंपल क्लोज्ड कर्व सी. ओके देन एट दिस पॉइंट ए एफ ऑफ ए इज गिवन बाय वन बाय टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड दैट मीन्स यहाँ पे आपका फाई जेड है ऑब्वियसली ये भी आपका फाई होगा दिस वॉज द फंक्शन. ओके सो फाई जेड बाई जेड माइनस ए dz. ओके दिस इज द स्टोरी ऑफ कॉशिस फॉर्मूला. इसका जो हायर वर्जन है उसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व रहता है nth डेरिवेटिव तो वो भी आपको पता होना चाहिए. ओके सो दिस इज कॉशिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इट. सो phi ऑफ a इज इक्वल्स टू वन बाई टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी phi z dz बाई z माइनस a. ऑल राइट सो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे टाइम लेके इसको समझो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखते हो तो क्या मिलेगा आपको एक फ्लेवर मिलेगा कि अगर आप फाई जेड इज इक्वल्स टू वन बाई जेड माइनस टू आई. ओके ये अगर चूज़ करते हो सपोज़ फाई मैंने ये चूज़ कर लिया तो अब देखो ये जो फाई जेड फंक्शन है ओवर दिस कर्व एंड इनसाइड दिस कर्व ये फाई जेड क्या है एनालिटिक है या नहीं का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. ओके एंड अभी क्या कर सकते हैं हम लोग यूज़ करो इस थियरम को.
सो जेड इज इक्वल्स टू माइनस टू आई, ए पॉइंट है इनसाइड दिस कार, ओके, इनफैक्ट द बाउंड्री रीजियन. सो फाई ऑफ माइनस टू आई इज इक्वल्स टू वन बाई टू पाई आई इंटीग्रल ओवर सी. सो फाई जेड मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने क्या कॉन्सिडर किया, वन बाई जेड माइनस टू आई डिवाइडेड बाई जेड माइनस माइनस टू आई, ओके. सो डी जेड फाइन, ओके. सो देखो वन बाई टू पाई आई ओवर सी, यहाँ से आपको मिलेगा जेड माइनस टू आई जेड प्लस टू आई, एंड हियर यू आर गेटिंग फाई ऑफ माइनस टू आई क्या होगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हुए अगर फाई ऑफ माइनस टू आई फाइंड आउट कर लेते हो, देन आपको मिलेगा वन बाई फोर आई, है ना, ओके. सो माइनस वन बाई फोर आई, दैट इम्प्लाइज ये पार्ट आपको क्या दे रहा है, इंटीग्रल ओवर दिस सी. सी मीन्स यहाँ पे जो भी कर्व गिवन था, दैट मीन्स जो सर्कल गिवन था दिस वन, एंड डी जेड बाई जेड स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू, ओके, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. सो ये जो सेकेंड कर्व गिवन था, दैट मीन्स दिस वन, ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अराउंड या फिर ओवर दिस सर्कल दिस इंटीग्रल डजंट वैनिश, फाइन, ओके. तो इसी तरह आपका ये जो सेकेंड ऑप्शन था, ये आपका गलत हो गया. तो रिमेनिंग रह गया आपका सी एंड ऑप्शन नंबर डी. ये आप दो ऑप्शंस जो है इसको आप वेरीफाई करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका आंसर क्या हो रहा है. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो डिस्कस कर @mathsbeetle ये सर्च करो, आपको मिल जाएगा, एंड वहाँ पे जाओ, मैं PDF भी वहाँ पे शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. एंड सेकेंड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 5 भी कंसिडर करके रखा था, बट बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. बट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन, अगर नहीं होता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्वाइट पॉसिबली मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ओके. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.